दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त कोटा बाग में, और आपने मेरी अभी तक वीडियो देखी होगी, वो थी गांव की, यानी कि हमारे पहाड़ की। वैसे तो ये भी पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ी यहाँ पे दूर दूर है, और ये बीच में समतल मैदान है जहाँ पे ये कोटा बाग गाँव बसा हुआ है, और ये पड़ता है रामनगर और नैनीताल के बीच में। तो दोस्तों, अभी सूरज डूबने वाला है, पीछे आपको दिख रहा होगा, सूरज डूबने वाला है, फिर अंधेरा हो जाएगा, तो वीडियो क्या पता ढंग से बने ना बने। तो फटाफट चलते हैं, लास्ट तक आपको दिखा के लाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये यहीं पे नज़दीक में जंगल है, जहाँ पे ये ताऊ जी के खेत हैं वहाँ पे जंगल भी है, इधर जंगल पड़ता है, तो इधर हाथी भी आ जाते हैं कई बार, यहाँ हाथियों का झुंड आ जाता है, इसलिए फटाफट आगे घूम के आते हैं। तो दोस्तों, ये है आड़ू का पेड़, और इसमें आड़ू लगे हुए हैं, ये देखो। तो अपने पहाड़ में ये फायदा है, कई तरह के फल फ्रूट खाने को मिल जाते हैं। देखो, अभी आड़ू कच्चे हैं, मगर ये और ये देखो कितने प्यारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो गर्मी की वजह से कैसे हो गए, नहीं तो ये कितने मोटे मोटे गुलाब लगते हैं इसमें। यहाँ पे देखो, ये नींबू लग रखे हैं, और इधर भिंडी लगी हुई है, ये देखो। लेकिन अब गर्मी की वजह से देखो ना, पौधा कैसा हो रहा है, ये कीड़ा भी लग रहा है इनमें, पत्तों में कीड़ा लग रहा है, क्योंकि गर्मी हो रही है और बारिश हो नहीं रही है। तो दोस्तों, ये गाय का चारा है, गाय के लिए जो चारा है ये है, गाय हो भैंस हो उसके लिए चारा उगा रखा है। और ये देखो, ये चारा काटने की, ऐसे नहीं करते, हाँ 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 ऐसे करके, है ना, मेरे को पता है, मेरे को ये देखो इस तरह से घास कटती है इससे, और ऐसे घास डालते है, है ना, ऐसे घास। तू मत कर कुछ भाई, तेरा हाथ वात ना हो। तो इस तरह से घास कटती है इससे, हाँ। गाइस, ये है हमारा चारा, ये हम गाय को देंगे तो गाय खाएगी, हाँ। और ये है बैल, आपने देखे होंगे बैल जो, हाँ। हम धान, तो ये आपने कहानी सुनी होगी बहुत पहले, हम छोटे थे, हीरा और मोती, दो बैल की कहानी। तो ऐसे ही ये हीरा और मोती है, ये दो बैल हैं, ये देखो अब गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं चलते बनो यहाँ से, हाँ। तो ये बहुत गुस्से वाले बैल है वैसे, ऐसे ही बोलो, हाँ। सबसे बड़ी है, छोटी है, और ये, हाँ, ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये है आम का पेड़, इसमें छोटे छोटे आम, हाँ। और इसमें आम लगे हुए छोटे छोटे, उधर भी लगे हैं, एक छोटा सा आम का पेड़ है, उधर भी आम लगे हुए, चलो चलते हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हल जिनका है वो गाँव से आ रखे हैं यहाँ पे, और गांव में क्या है, जो ये खेती करते थे तो जानवर सारी खेती को नष्ट कर देते थे, कुछ बचता ही नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे बुला लिया इनको कि यहाँ पे करो खेती, साग सब्जी भी हो जाएगी, और यहाँ पे ये खेती भी कर लेंगे, तो हमें भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। तो ट्रैक्टर से जहाँ जहाँ पे छूट जाता है वहाँ पे ये क्या है, अपने हल से करते हैं, ये हल इसीलिए ला रखा है इन्होंने यहाँ पे, ताकि जहाँ जहाँ छूट जाएगा वहाँ वहाँ ये अपने हल से कर लेंगे। देखो गाइस, ये खीरा लगा, खीरा अच्छा होता है, हाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे लग रखे हैं खीरा, भिंडी, ये भिंडी, तो ये भिंडी लगी हुई है, और खीरा लगा हुआ है, ये भी भिंडी है, ये भी है, इधर देखो बेल, हमने भिंडी है बहुत बार खा ली है। अच्छा, भिंडी बहुत बार खा, खड़ी है, हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये भी ककड़ी है, दिखा, ये है, यहाँ भी लग रखी है, ये देखो ये लगी हुई है, देखो इसके छोटे, तो ये खीरे लगे हुए हैं, और ये कई तो खराब हो गए, देखो छोटे, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना, खराब हो गए कई, बहुत सारे इतने इतने खराब हो गए, हाँ हाँ, एक एरी ना यहाँ पे भी है, ना, ना, ये इधर पत्ते के नीचे, अच्छा ये देखो कितने मोटे, हाँ ये भी है, देखो तीन खीरे मिल गए गाइस, हाँ। तो यहाँ पे तीन खीरे तो सामने ही दिख रहे हैं, बाकी छोटे छोटे हैं, वो सब टूटे, वो है मतलब पानी की कमी की वजह से ढंग से नहीं आ रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भिंडी लगी हुई है, ये सारी भिंडी लगी हुई है, देखो ये देखो तोरी, हाँ, और ये गोदड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पे तोरी लगी हुई है, ये देखो, ये रही, दिख रही है वीडियो में, पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे तोरी लगी हुई है, ये करेला लगा हुआ है, ये करेले की बेल गई हुई है, ये नींबू लगे हुए हैं, ये सारे नींबू लग रखे हैं, चलो। और यहाँ पे अभी गेहूँ की कटाई करी थी, अब इसको मतलब वो कर दिया हमने, देखो आग जला दिया, इसके बाद इसे, हाँ हाँ, अब यहाँ पे होगी धान, धान लगेगा यहाँ पे, जब बारिश हो जाएगी, पानी भर जाएगा तब धान लगाएंगे, और बाकी और इधर नज़दीक में भागवत हो रही है, हाँ, और कल है वहाँ पे भंडारा, तो वहाँ भी आपको ले जाएंगे,
भंडारे में जाएंगे तो आपको भी ले जाएंगे। हमारे साथ मिलके रहना, हम जगह दिखाएंगे। हाँ, तो हमारी पोती कह रही है कि हमारे साथ बने रहना, आपको दिखाएंगे। और ये हमारी छोटी सी पोती है, तो इसकी मैं लगूंगी बुआ दादी। तो बुआ, आप बुआ को लाइक शेयर करना प्लीज, बुआ ने अपनी मेहनत के लिए ये सब करा है। हाँ, देखा कितनी अच्छी बच्ची है। हाँ, अभी तो आंवला दिख नहीं रहे है ना। हाँ, तो दोस्तों ये देखो, ये आंवले का पेड़ है और इसमें होंगे जो इस आंवले के पेड़ में नवंबर में आंवले लगते हैं, मतलब अब लगने शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, एक दो महीने बाद, और नवंबर में पक जाते हैं आंवले। हाँ, तो ये जो सारा खेत आपको दिखाई दे रहा है ये सब भाभी और का खेत है। तो दोस्तों जो भाभी है वो है मेरे ताऊ की बहू। इधर अंधेरा आ रहा है मेरे फेस पे। हाँ, तो ये जो है ये सारे मेरे ताऊ जी के खेत हैं। तो ताऊ जी की बहुएं हैं वो, जो आपको दिखाई हैं, जो भाभियाँ मिली थी वो ताऊ जी की बहुएं हैं। तो ये तो गाय के लिए, भैंसों के लिए ये चारा हो जाता है। हाँ, यहाँ पे भी आम का पेड़ लगा रखा है छोटा सा। हाँ, ये बेड़ू का है ना। हाँ, छोटे छोटे। हाँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखो इधर गाय है, गाय दिख रही होगी। और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, इधर कटहल के पेड़ है। तो मेरे सामने आप देख सकते हो वो पोली हाउस है, और उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे अगर हम उधर की तरफ गए तो। अभी तो इधर ही जा रहे हैं, तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट। वैसे तो मैंने पुरानी वीडियो में भी दिखा रखा है कई बार, तो अब क्या सब्जियां और रखी हैं उसमें वो भी आपको दिखाऊंगी अगर उधर गए तो। तो गाइस, हमने आपको बैल दिखाई, घास दिखाया और अपना घर दिखाया। तो आपको अच्छा लगा तो गाइस लाइक शेयर करना प्लीज़ दादी को। तो देखा कितना अच्छा बोला उसने कि आपको हमने अपनी वीडियो में क्या दिखाया, वो आपको कैसा लगा वो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा आपको। हमने अपने खेत दिखाए, गाय, ये बैल दिखाए और पूरे खेत दिखा दिए, अपना ये गांव दिखा दिया कोटाबाग। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स करके। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ और कल मिलेंगे सुबह। बाय। इतने बढ़िया मोमोज हो रहे हैं। मैं मोमोज वैसे खाती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कितने 1.5 साल या 2 साल हो गए होंगे उसके बाद आज खा रही हूँ। और बच्चे चट कर गए। अच्छा।